पुण्यात्मा, ये क्या बताते हैं कि परमात्मा ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई करता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी छुरी बताता है दास। और ये पारखी जो संत हैं, ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और ये इनका ये भी मानना है, जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है, वो कहता है कि जो भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं, जो चातुर प्राणी है। चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ भुगत हैं ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोठ। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी समूह जन समूह बैठा है, कमाल कर दिया ये भगवान, कितनी श्रद्धालु कितने डिवोटी हैं, आंख मीच कर बैठे हैं, गुरुजी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज होता है उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का नाम इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है, पद छंद पद छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सी, ये इसका नाम है अनुवादकर्ता ने इसका यो नाम लिख रखे। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवद गीता और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी, अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो दो प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य परवर्ती और निवर्ती, इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये अपनात्मा, इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो राक्षस स्वभाव असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं।
अब ये जो कबीरपंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीरपंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करें। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है, इसे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफी यहां आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती थी, होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने बड़े कई सैकड़ों पुस्तक बना रखी हैं और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये है पुस्तक गीता सार। अभिलाष दास इसके अनुवादक, आग पूरा डिटेल दिखाएंगे यहां से। ये प्रकाशक है कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से ये वहां से छपी है। पहली बार सन 1975 में, वो तुरा जो बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में, 1975 में पहली बार छपी थी। और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूं आपको इसकी कलाबाजी, देखियो। वाह, एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, ये क्या कहता अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें और यही शुभ आकांक्षा। बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करें, है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगे। अभी तो सटाट है इसकी कलाबाजी, दिखाता हूँ। ये देखिएगा अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में, अध्याय 16 और ये गीता सार है। इसने 1 से लेकर ये 6 श्लोक है, ये 6 श्लोक है। इसमें वो इसने क्या क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है, यहां से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने के कर रखा है, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसको इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा, और फिर अपनी उस अज्ञान विधान को, अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की को चेष्टा की। ये देख, ये आपने भी देखा था, ये गीता है, गीता प्रेस गुरु से, पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय, अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है कि गीता प्रेस की अन्वय पद छेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है, यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है,
उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार है, ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है? असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं और न तो उनमें सत्य ही होता, सत्य नहीं सत भाषण। और इसमें सत भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, असुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किसी किस कार्य को में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में, उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते हैं, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। 204 पृष्ठ पे गीता सार, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, यह अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो इसने फिर आगे, अब ये तो अनुवाद नौकानों ले लिया गीता प्रेस वालों का, इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, वे लोग जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं। यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, गीता जी के इस श्लोक को इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते, जो सृष्टि को जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं। तो ये कह है, ये तो बात ठीक है, गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका है, इसका कर्ता नहीं मानते। ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 6-7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते ईश्वर का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा है, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुणात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके, इन भोले भाले आत्माओं को तो गुमराह कर ही रखा कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, ये वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपने आत्माओं, इब उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है कि जो परमात्मा को बिना ईश्वर का मानते हैं। और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है, देखिए। और फिर क्या उदाहरण लिया इसने, गीता देखना, गीता सार, अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से
ये गीता सार प्रश्न नंबर 204 पे आगे ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लीपापोती कर रहा है कि अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है कि वास्तव में ये क्या बताता है कि यदि वह एस अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है, यानी अध्यात्मवादी है ना जो भगवान देखो अध्यात्म किसे कहते हैं, परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म यानी मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हम बता इसका अध्यात्म खाक रहेगा, जब नो का भगवान है ही नहीं, टट्टू अध्यात्म रहेगा, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। और फिर आगे क्या कहता इसी के पॉइंट पर देखना, आगे इसी 204 पृष्ठ पे है। वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना यह मन की कल्पना है। कर दिया स्पष्ट अभिलाष दास जी ने कि इसका कोई कर्ता खड़ा कर ले, किसी ने कोई बनाने वाला है तो यह केवल एक बनावटी बात है, कल्पना है। ईश्वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है, यानी बनावटी बातें हैं सारी। उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। ये सब ज्ञान के बताए हैं कि ये मान ले मैं शरीर नहीं हूँ, आड़ चाम का पुतला शरीर है, इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है, बस ये इनका अपना स्वरूप मान ले, वो मुक्त हो गया। और फिर समाधि लगाना बताते हैं कि समाधि ऐसे हटता चला जाए तो शरीर नहीं है, तो रक्त चाम का पुतला नहीं है, तो मन भी नहीं है, तो कति स्वन हो जा, यानी माइंडलेस मैन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। फिर आगे क्या बताया है इसने और लिपापोती की है, देखिए कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर स्वभाव के हैं जो ईश्वर नहीं मानते, भगवान कर्ता नहीं मानते ईश्वर को। कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो नहीं मानता, यानी इस कर्ता ईश्वर ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान हो, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो तो क्या वह असुर माना जाएगा? देख ये अपने चेलों को दृढ़ रखने के लिए कि तेरा दामन थामे रहें, ये छोड़ ना जाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि गीता जी के 16वें अध्याय के 7, 8, 9 में वर्णित इस विवरण के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो ईश्वर नहीं मानता हो उसको असुर स्वभाव को नहीं माना जा सकता असुर स्वभाव का, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और भगवान मानता हो ये कह रहा है अभिलाष दास जी। तो कहते वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है, देव हो सकता है? दुराचार करता हो और भगवान की भक्ति करता हो, भगवान को में आस्था हो, आस्तिक हो, तो क्या वो देव हो सकता है? इसलिए इस गीता अध्याय नंबर 16 के इन श्लोकों में यही अर्थ मानना कि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ना मानता हो और अध्यात्मिक हो तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है, तो तेरा अध्यात्म ज्ञान खाक है। जब जीव ही भगवान है, जब गधा भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, फिर क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? ये हालत है इन कबीर पंथ कबीर साहब को, तो इस जड़ से नाश करना चाहते हैं काल के दूत। और ये दीमक है इस परमात्मा कबीर जी के, ये कीड़ा है कबीर पंथ में, इसका नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ है। ये स्पष्ट किया गीता जी में, कैसे व्यक्ति संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और कबीर साहब के उस ज्ञान बीजक ज्ञान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल कर दिया भगवान नहीं,
तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि बीजक की बात कहेंगे बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रेखा कमी थी बात।